Hey everyone, welcome to Shroom's IAS. I am Shivangi Sharma, and here I am with 7th chapter of our class 7th history, which is the making of regional cultures. So before starting the chapter, I am very sorry for the delay of the videos. And हमारी videos late इसीलिए हो रही थी because we were out of the station. We are still out of the station, but till the date we were setting up our stuffs and there was some issues for making the videos. But from now we'll try to be constant. And here is 7th chapter, which is the making of regional culture. Okay. So देखो हमारी country में जैसे कि हमें पता है कि India is a diverse country. So हमारी country में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. So the common जो सबसे कॉमन वे होता है लोगों को डिस्क्राइब करने का, डैट इज़ द टर्म ऑफ देयर लैंग्वेज. ठीक है, हम जो लैंग्वेज स्पीक बोलते हैं तो हम उन लोगों को उस वे में डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल, पीपल लिविंग पीपल हु स्पीक पंजाबी, वो वी कॉल देम पंजाबी, राइट? एंड हु स्पीक्स ओरिया, वी कॉल देम उड़ीसा, एंड दे विल लिव इन उड़ीसा, राइट? उसके अलावा हेयर इट इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन तमिल लैंग्वेज बोलता है, इट मीन्स वो तमिलनाडु को बिलोंग करता है ना. ऑन द सेम वे अगर कोई पर्सन ओरिया लैंग्वेज बोलता है, विट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ओरिसा, सो इट मीन दैट पर्सन बिलोंग्स टू ओरिसा, राइट? उसके अलावा हम लोगों को और भी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अकॉर्डिंग लोगों को तो नहीं, बट बेसिकली रीजन को हम और वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं. डैट इज़ किस तरह का उधर खाना बनता है, उधर के क्लोथ्स कैसे हैं, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग्स. ठीक है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें ना जिनको हम जिन जो ना कभी ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है, मतलब देखो जो म्यूज़िक वहाँ पे फॉलो होता है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, डैट इज़ समथिंग जो कि रहेगा. ठीक है, तो हम उससे लोगों को मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, बट जैसे जैसे रीजन सेपरेट हो रहे हैं, चीज़ें भी टाइम के साथ साथ रीजन्स के अलावा जो भी फैक्ट्स हैं वो भी बदल रहे हैं. ठीक है, आज के टाइम पे जो रीजनल कल्चर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विद द आइडियल फॉर्म ऑफ अदर पार्टनर्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, हमारी सबकॉन्टिनेंट क्या होता है, जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, सो हमारा सबकॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे ट्रेडिशनल जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो भी, और कहीं ना कहीं मॉडर्न कल्चर भी इवॉल्व हो रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि क्यों एक ना कॉम्प्लेक्सिटी है, कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है चीज़ें. ठीक है, जैसे जैसे ट्रेडिशन मतलब कुछ रीजन में जो ट्रेडिशन है वो स्पेसिफिक है. ठीक है, बट कुछ ऐसे ट्रेडिशन है जो कि अलग अलग रीजन्स में भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, सो हिंदी इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन अराउंड आवर कंट्री. ठीक है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी कंट्री में बोली जाती है, राइट? हिंदी स्पोकन थ्रू आउट अ कंट्री. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम अगर सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से ही डिवाइड करें तो पूरी मतलब इफ़ वी कंसीडर नेपाल ऑल्सो, तो नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है एंड इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें मतलब तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, राइट? सो वैसे ही जो जैसे जैसे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पुरानी प्रैक्टिसेस है जो कि कुछ पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया में हैं और कुछ जो है अलग रीजन्स में नया फॉर्म ले चुके हैं. ठीक है, सो देर इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, यही है कि किसकी वजह से, कि यही तो रीज़न है जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल रही हैं चीज़ें, अगर हमें लोगों को डिवाइड करना है तो. ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन, अगर हम ये देखें, सो जो चेरा किंगडम है डैट इज़ इन महोदयापुर. ठीक है, जो कि 9th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनन्सुला, जो कि आज केरला है. व्हाट इज़ पेनन्सुला? पेनन्सुला इज़ अ पार्ट जो कि तीन साइड से पानी से कवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ पेनन्सुला बिकॉज इफ फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सो ये वाला पार्ट भी जो है वो कंट्री पानी से घिरा हुआ है. ये वाला पार्ट भी पानी से घिरा हुआ है, एंड दिस इज़ ऑल्सो मतलब ये वाला पार्ट जो है वो भी पानी से घिरा हुआ है. सो जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, डैट इज़ अ पेनन्सुला. सो उधर का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि दिस पार्ट विच इज़ केरला. ठीक है, इस यहाँ पर जो है, यहाँ पे मलयालम बोली जाती है. सो जो भी रूलर्स थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया. सारे स्क्रिप्ट्स जो भी इंक्रिप्शंस थे वो सब कुछ मलयालम में ही लिखी जाती थी. ठीक है, और
मतलब सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी जो कुछ रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें से एक है हमारी मलयालम. ओके सो सेम टाइम में जो चेरास थे वो भी एक संस्कृत ट्रेडिशन में मतलब सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन था उधर भी वो भी ग्रीव हो रहा था कि जो केरला का जो टेम्पल है वो काफ़ी टाइम से हमें ट्रेस होने को दिख रहा था कि काफ़ी स्टोरीज थी जो कि संस्कृत एपिक से आ रही थी. इसका मतलब है कि संस्कृत भी ग्रो कर रही थी. डैट वॉज द रीज़न बिहाइंड कि अगर संस्कृति जो हमारी संस्कृत है वो इतना फैल रहा है, इसी की वजह से जो है टेम्पल्स भी बहुत सारे बने विद द टाइम बीइंग. ठीक है. सो मलयालम में जो फर्स्ट वर्क था, लिटरेरी वर्क जो कि 12th सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है, वो भी डायरेक्टली संस्कृत से ही इंडेप्टेड था. ठीक है, मतलब संस्कृत से ही उसको लिया गया था डायरेक्टली और बाद में उसको मलयालम से ट्रांसलेट कर दिया गया था. 14th सेंचुरी टेक्स्ट एक काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है 14th सेंचुरी टेक्स्ट जिसका नाम है ललिता कलम, जिसमें हम काफ़ी ग्रामर और पोइटिक चीज़ें देख सकते हैं. विच वॉज कंपोज इन द मणि परवलम लिटरली, जिसका मतलब होता है डायमंड एंड कोरल्स. ठीक है, जो कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था. डैट वॉज संस्कृत एंड द अदर रीजनल लैंग्वेज. ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज थी एंड अदर वॉज संस्कृत. ठीक है, अब रूलर्स और रिलीजियस का कैसा ट्रेडिशन चल रहा था, उसमें से एक एग्जांपल है जगन्नाथ कल्ट का. देखो जैसे जैसे रीजन चेंज होता है वैसे वैसे ट्रेडिशन भी चेंज मतलब रिलीजियस ट्रेडिशन भी चेंज हो जाता है जैसे जैसे रीजन चेंज होता है. ठीक है, सॉरी अगर मैंने अपोजिट बोला होगा तो, मतलब जैसे जैसे हमारी जगह चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो जाता है, वैसे वैसे जो है हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस भी चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ साइड में मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ हमारी कंट्री की विच आर द 7 सिस्टर्स, अगर आप नॉर्थ साइड में जाओ तो उधर आपको ना अलग देखने को मिलेगी जो भी हमारी रिलीजियस ट्रेडिशंस है. ठीक है, उधर अलग रिलीजन फॉलो हो सकता है या फिर उधर अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है. बट अगर हम जाए बंगाल वाली साइड तो हमें वहाँ पे दुर्गा माता का ज़्यादा देखने को मिलता है. राइट, सो वैसे वैसे जो है चीज़ें डिवाइड मतलब अलग हो जाती है जैसे जैसे रीजन होता है. ठीक है, सो उसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि है कल्ट ऑफ जगन्नाथ. सो जगन्नाथ बेसिकली विष्णु जी का ही एक नाम है जो कि उड़ीसा में है. ठीक है, डैट इज इन द उड़ीसा. ये एक मतलब कुछ टाइम तक उनको ना लोकल ट्राइबल पीपल थे वो एक वुडन इमेज उनके बना देते थे. ठीक है, जो कि एक लोकल गॉडी उनको मतलब ओरिजिनली बोला गया जिनको बाद में एज विष्णु आइडेंटिफाई कर दिया गया था. ठीक है, 12th सेंचुरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के जिनका नाम था अनंतवरम, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ है उनका टेम्पल को इरेक्ट करेंगे कहाँ पे, पुरी पे. ठीक है, सो 1230 में एक किंग थे अनंतगाभीमा 3, उन्होंने ये जो भी किंगडम था ये डेडिकेट कर दिया. इन्हीं मतलब उन्होंने पूरा वो जो किंगडम था उन्होंने भगवान को अपना डेडिकेट इन द सेंस उनको सेक्रीफाइस कर दिया, मतलब सेक्रीफाइस इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड बट भगवान को सौंप दिया था उन्होंने वो सारा चीज़ें. ठीक है, और ख़ुद को गॉड का डिप्यूटी उन्होंने बना दिया. ओके, सो जैसे जैसे टेंपल का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे जो पॉलिटिकल मैटर्स थे और सोशल जो टेंपल्स के सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स थे ना वो भी ग्रो करते रहे. जैसे हमने पहले भी बोला था कि अगर बड़े बड़े टेंपल्स हैं तो ये मानते थे कि किंग्स, अगर बहुत बड़े बड़े टेंपल है, बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि किंग भी बहुत बड़ा है. तो वैसे वैसे ही सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स भी इंक्रीज होते थे. ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को कॉन्क्योर किया जैसे कि जो भी मुगल्स थे, मराठास थे और ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने टेंपल के ऊपर गेन करने की बहुत कोशिश की. ठीक है, और उसके अलावा कि अगर वो ये सोचते थे कि अगर जो मेन जो टेंपल है अगर उन पे उनका जो है वो राज आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है टेंपल के ऊपर, तो जो लोकल पीपल है वो भी उनका रूल जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे मोर ईजीली. ठीक है, राजपूत थे उनको ना हीरोइज्म का ट्रेडिशन, उनको एज अ हीरोइज्म काफ़ी हाईलाइट किया गया था कि राजपूत काफ़ी हीरो टाइप के लोग हुआ करते थे. हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं. 19th सेंचुरी में कुछ
एक ऐसा रीजन था जो जिसको आज राजस्थान बोला जाता है, वर कोल्ड राजपुताना बाय ब्रिटिश। मतलब जो भी उस टाइम पे रीजन में, जो भी मतलब उस टाइम पे जो राजस्थान में जो भी मतलब रीजन था, वहाँ पे जो लोग होते थे उनको राजपुताना बोल दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है। सो वाइल दिस में सजेस्ट, ये मतलब ये बेसिकली वो एरिया था जो कि मतलब राजपूत ने जिन पे रूल किया था, बेसिकली इट वॉज इन राजस्थान। तो राजस्थान में राजपूत ज़्यादा होते थे, तो ये जो भी एरिया था जिस पे राजपूत काम करते थे, ठीक है, इनको राजपूताना बोल दिया ब्रिटिश ने, ठीक है। बट दिस इज़ ओनली पार्टली ट्रू, क्योंकि ऐसे काफ़ी सेवरल ग्रुप्स हैं जो कि खुद को एज अ राजपूत आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सिर्फ राजपूताना सिर्फ सेंट्रल में नहीं, बट जो राजपूत है वो नॉर्दर्न और जो मिडिल वाला पार्ट है वो दोनों में हमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सो काफ़ी राजपूत ऐसे थे जो राजस्थान में रहे, जबकि राजस्थान जो कि राजपूत जो थे वो मतलब राजस्थान का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है ना, राजस्थान में भी काफ़ी डिस्टिंक्टिव कल्चर है, उनमें भी उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मतलब राजपूत का काफ़ी बड़ी छाप थी इन राजस्थान वाले एरिया पे, ठीक है। ये जो भी कल्चरल ट्रेडिशंस थे, ये आइडियल्स और रूलर्स के जो आइडियल्स और एस्पिरेशंस थे ना, उसे डायरेक्टली रिलेटेड थे। क्योंकि राजा कैसा करता है चीज़ें, सपोज अगर राजा किसी एरिया में मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवा देता है, तो वो उसके उसके जो मतलब उसके प्रजा जो होगी वो बेसिकली वो मुस्लिम में जाएगी, राइट। तो राजा क्या एक्टिविटीज़ करता है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है ये सारी आइडियाज़ और एस्पिरेशंस, ठीक है। सो 8th सेंचुरी में जो आज राजस्थान है, वो बेसिकली सारे जो है वो राजपूत फैमिलीज ही उसको रूल किया करती थी, और पृथ्वीराज उनमें से एक एक रूलर्स थे, ठीक है। ये रूलर्स काफ़ी मतलब काफ़ी हीरो टाइप के ये पर्सन थे, उन्होंने वो सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, और अपनी अपनी उनको जब डिफीट फील हुई, मतलब वो ना वो हारने से अच्छा, या होते हैं ना जो राजपूत होते हैं वो बेसिकली इसी टाइप के होते हैं कि वो मतलब मरना मंजूर करेंगे बट वो हारना नहीं मंजूर करते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना, वो सरेंडर नहीं करेंगे बट वो मर जाएंगे अपनी अपनी कंट्रीज की, अपनी अपनी जो भी एरिया है उनका, उसके लिए लड़ते लड़ते, ठीक है। राजपूत हीरोज़ की जो भी स्टोरीज़ है उनको पोइम्स, सॉन्ग्स और बहुत अलग अलग चीज़ों में दिखाया ही जा रहा है टिल द डेट, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज हैं इन हीरोज़ की, जिनको आज भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली ये लोग इन लोगों को एक बहुत ही मतलब इनको जब इनकी जो स्टोरी है ना, उनका एक काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन होता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है कि राजपूत काफ़ी लॉयल होते थे, काफ़ी काफ़ी फ्रेंडली होते थे, बहुत प्यार होता था, और उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता था, ठीक है। इन ये जो भी स्टोरीज थी ना, इन स्टोरीज में कभी कभी ही वुमेंस का दिखाया जाता था, उसमें भी यही कि उनका हीरोइक हस्बैंड कैसे कैसे लाइफ और डेथ के बीच में, मतलब उनको बेसिकली जब दिखाया जाता था तो उनके उनके हस्बैंड के पर्सपेक्टिव में ही दिखाया जाता था, और सती जैसी स्टोरीज हो गई इनमें ही वुमेंस को ज़्यादा दिखाया जाता था। बेसिकली उनका मतलब उनके पीछे का मेन रीज़न यही होता था कि उनके हस्बैंड के जो भी उनके हीरोइक एक्टिविटीज़ थी उन्हीं के बीच में वो दिखाए जाते थे, ठीक है। सो जब हम रीजनल चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, हमारे कल्चर के बारे में, तो एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है विच इज़ कथक, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस है, राइट। सो जैसे जैसे कि ट्रेडिशन बदल रहा है, डांस बदल मतलब रिलीजन बदल रहा है, वैसे ही डांस भी जगह से जगह बदलता है। अगर हम एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है कथक, उसके बारे में हम पढ़े तो वो नॉर्थ इंडिया के भी सेवरल पार्ट्स में पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। कथक का मतलब है, द वर्ड कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम कथा, और कथा एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम स्टोरी के लिए यूज़ करते हैं, राइट। कथा क्या होती है? कथा इज़ अ स्टोरी, राइट। सुना ही होगा आपने कल किसी के मुंह से कि कथा इज़ अ स्टोरी। सो कथक जो डांस था वो बेसिकली टेम्पल्स में, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स किया करते थे, जिससे वो मतलब एक ऐसा डांस फॉर्म जिसके जेस्टर्स और जिसके जो सॉन्ग्स है वो स्टोरीज बताते थे, ठीक है। और कथक एक ऐसा डांस था जिसमें कुछ ऐसे जेस्टर्स थे, ऐसे मतलब ऐसे जेस्टर्स वो लोग करते थे जिससे एक स्टोरी का हमें काफ़ी मतलब एक स्टोरी हमें दिखाई जाती थी इन अ फॉर्म ऑफ डांस।
15-16 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के साथ साथ कथक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हमें देखने को मिला। उसके अलावा आपने देखा होगा लोकल एरिया में राधा कृष्ण की रासलीला बहुत दिखाई जाती है, सो राधा कृष्ण की जो रासलीला थी उसको भी कथक फॉर्म में दिखाना शुरू किया। कथक स्टोरी टेलर्स राधा कृष्ण की जो है रासलीला वो दिखाया करते थे, ठीक है। मुगल एम्प्रेस के अंदर जो कथक था वो उनके कोर्ट्स में, उनके जो मतलब होते हैं ना राजा के जो दरबार होते हैं, उधर कथक किया करते थे लोग के मतलब जो भी डांसर्स होते हैं, राइट। और ऐसे ऐसे जो भी मतलब जो बड़े बड़े घरानास थे, नो जो भी ट्रेडिशन जैसे जैसे वैसे भी वो राजस्थान और लखनऊ वाले एरिया पे बेसिकली जो है लोग अपने मतलब जो राजा थे अपने जो शाही दरबार है उधर डांस दिखाया करते थे, ठीक है। सो वाजिद अली शाह जो कि अवध के एक नवाब थे, वो ना काफ़ी मेजर आर्ट फॉर्म्स में उन्होंने ग्रीव किया, ठीक है। सो 19th सेंचुरी का जो थर्ड क्वार्टर चल रहा था उस टाइम पे डांस सिर्फ उन्हीं दो रीजन में नहीं, जबकि वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे एरिया में भी फैल चुका था, ठीक है। और डांस एक काफ़ी अच्छा सोर्स बन गया था स्टोरीज़ को सुनाने का, स्टोरीज़ को दिखाने का। सो कथक और कल्चरल प्रैक्टिस की तरह, जैसे और कल्चरल प्रैक्टिस थे वैसे ही कथक को भी एक काफ़ी डिसग्रेस, काफ़ी डिसफेवर दिखा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से 19th और 20th सेंचुरी में, जबकि स्टिल वो जो कथक डांस फॉर्म है वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर गई और वो अभी भी कहीं ना कहीं जो राज दरबार थे वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी, वहाँ परफॉर्म किया जाता था। और बाद में जो है 6 क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस, जैसी इंडिपेंडेंस मिली हमारी कंट्री को 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स बना दिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लासिकल डांसेस का एक बॉक्स है उसको हम जल्दी 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 डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम क्लासिकल के बारे में बात करते हैं किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में तो वो काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। सो जो क्लासिकल है क्या वो रिलीजियस थीम होता है, वट इज़ रिलीजियस, रिलीजियस इज रिलेटेड टू गॉड एंड भक्ति एंड ऑल, ठीक है। या फिर क्लासिकल इसलिए क्लासिकल है क्योंकि उसके लिए बहुत स्किल या बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है, दीज आर सम क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर क्लासिकल चीज़ क्लासिकल इसीलिए है क्योंकि उसको परफॉर्म करने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है और काफ़ी वेरिएशन है जो कि एनकरेज नहीं की गई, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है जब भी हम क्लासिकल के बारे में सुनते हैं, बट जो हमारा एक डांस फॉर्म है जिसको जो कि क्लासिकल भी है और उनको क्लासिफाई किया गया है फोक्स में, ठीक है। सो इनके कुछ ना कुछ टिपिकल क्लासिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो क्लासिकल टर्म्स को यूज़ किया जाता है उसके और फॉर्म्स जो उसके सुपीरियर है ना, यू नो द टर्म क्लासिकल में सजेस्ट दैट दीज फॉर्म्स आर सुपीरियर, ये ऐसे सुपीरियर चीज़ें हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और इनको हमेशा ये लिटरेली बहुत ही मतलब लिटरेचर से काफ़ी रिलेटेड है, ठीक है। कुछ और जो डांस फॉर्म्स है डेट वो रिकोगनाइज एज अ क्लासिकल आर रिप्रेजेंटेड एज तमिलनाडु स्टेट्स में भरतनाट्यम, कथकली इन केरला, ओडिसी इन ओडिशा, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी एंड फाइनली कथक, राइट। सो दीज आर 6 डांस फॉर्म्स। प्रिंटिंग द पैटर्न्स, अब हम कुछ ना ट्रेडिशनल मिनिएचर्स देखने वाले, व्हाट इज़ मिनिएचर। देखो हमारी मतलब हमारे ट्रेडिशन को और डिफरेंट वेज दिखाने का तरीका है, वन ऑफ देम इज़ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर क्या होता है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, मिनी इज़ छोटा, राइट। सो मिनिएचर इज़ अ स्मॉल साइज पेंटिंग जो कि वाटर कलर से की जाती थी किसी भी क्लॉथ या पेपर में। सो जो पुरानी जो मिनिएचर्स थी वो ना पाम लीव्स पे या फिर लकड़ी पे किया करती थी, ठीक है। इनमें से भी जो सबसे सुंदर वाली जो है डैट वो फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया जो कि जैना टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करती थी। उसके अलावा अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे जो मुगल एम्परर थे वो काफ़ी स्किल्ड पेंटर्स रखा करते थे जो कि उनके मैनुस्क्रिप्ट को इन्हीं वे में दिखाया करते थे, ठीक है। उनकी जो भी ब्रेवरी थी, इनमें काफ़ी ब्रिलियंट कलर का यूज़ किया जाता था और बेसिकली इनमें जो कोर्ट के सीन्स है मतलब जो उनकी राज्यसभा जो उनकी सभा के सीन्स है और लड़ाइयों के, हंटिंग के ऐसे सीन्स को उन पेंटिंग में दिखाया जाता था, ठीक है। और इनको ना गिफ्ट भी इनको एज अ गिफ्ट भी एक्सचेंज करना शुरू कर दिया था जो एम्परर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे जैसे मुगल एम्पायर का कम होने लगा, ये जो पेंटर्स थे इन्होंने भी
रीजनल स्टेट्स में, मतलब कोर्ट से, कोर्ट जो कोर्ट्स थे उनसे हटके रीजनल स्टेट्स में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट थे, इन्होंने इन्फ्लुएंस रखा कि जो भी रीजनल कोर्ट्स हैं, मतलब राजपूत कोर्ट्स जो थे राजस्थान के और डेक्कन एरिया के, उधर पे ये अभी भी जो इनका मुगल का जो टेस्ट है ना वो रह गया था। ठीक है, और सेम टाइम पे काफ़ी हमें, काफ़ी हम इस टाइम पे काफ़ी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, डेवलप हो रही थी उस टाइम पे चीज़ें। सो रूलर्स के जो पोर्ट्रेट्स थे और जो भी कोर्ट सीन्स थे उनको पेंट करना शुरू किया फॉलोइंग बाय द मुगल एग्जाम्पल। ठीक है, फिर माइथोलॉजी, पोइट्री, ये सारे जो भी हैं, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जवाले एरिया को ज़्यादा डिपिक्ट किया जाता था इन पेंटिंग्स में। उसके अलावा जो इन मिनिएचर पेंटिंग से जो और रीजन जो अट्रैक्ट हुआ ज़्यादा, डैट वॉज द हिमालयन फुट हिल्स, जिसको जो कि आज हिमाचल प्रदेश है। राइट, ठीक है, लेट 17 सेंचुरीज के टाइम पे ये जो रीजन था इन्होंने काफ़ी बोल्ड और इंटेंस स्टाइल डेवलप कर लिया था मिनिएचर पेंटिंग का, जिनको इन्होंने नाम दिया बसोहली। क्या नाम दिया? बसोहली। ठीक है, सो बसोहली वॉज अ, बसोहली इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसमें भी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी टेक्स्ट है जो इसमें पेंट किया जाता था, डैट वॉज भानु दत्ताज रजामंजरी, जिसमें नदीर शाह का जो, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, नदीर शाह का जो इन्वेशन हुआ और दिल्ली का जो कंक्वेस्ट हुआ 1739 में, उससे मुग़ल आर्टिस्ट जो थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और वो इन प्लेन्स से ना, इसलिए हुआ ये कि जो भी ये जो, मतलब जब नदीर शाह आया तो उस टाइम पे जो मुग़ल पेंटर्स थे वो ना इस प्लेन एरिया को छोड़ के हिल्स की तरफ को उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें भी एक काफ़ी जो एक स्कूल है पेंटिंग का, डैट इज़ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी जग रही हैं। ओके, जो कि अभी भी मिनिएचर पेंटिंग का एक नया स्पिरिट लोगों को देती है। इसमें काफ़ी सॉफ्ट कलर्स यूज़ होते हैं, जैसे कूल ब्लूज, ग्रीन्स एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्कसिंग कांगड़ा पेंटिंग्स। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो आप, एक पहाड़ी मिनिएचर है ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, कांगड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। सो यहाँ पे देखो हमें एक मिनिएचर पेंटिंग दिखती है जिसमें कृष्ण, राधा और उनके कंपेनियन हैं। ठीक है, सो हियर इज कृष्ण एंड राधा, सो इट इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ कांगड़ा। देखो कितना सुंदर है वो पेंटिंग, जस्ट हैव अ लुक इन इट, कितना प्यार से उन्होंने बनाया है, कितने अच्छे कलर्स इसमें यूज़ किया गया है, एंड इट इज़ अ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, सो एक बात याद रखनी है कि वुमेन और मैन दोनों ही पेंट किया करते थे पोर्ट, और ये पेंट क्या कहाँ किया करते थे, डैट वाज इन पोर्ट्स, वॉल्स, फ्लोर, क्लोथ, वर्क्स ऑफ आर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी सर्वाइव कर ही रही थी। अब हम देखते हैं अ क्लोजर लुक बंगाल के बारे में, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देर इज़ अ, ठीक है। सो इधर हम देखने वाले हैं ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज में कैसे ग्रोथ हुई। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हम लोगों को क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज दिस स्पोक, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं हम उनको वही कंसिडर कर देते हैं। अगर कोई पर्सन पंजाबी बोलता है, इट मीन्स ही और शी बिलोंग टू पंजाब। ठीक है, अगर कोई गढ़वाली बोलता है या कमाऊनी बोलता है, इट मीन्स डैट पर्सन बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और अगर कोई पर्सन पहाड़ी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करता है, इट मीन्स ही और शी बिलोंग्स टू हिमाचल और एनी अदर हिल स्टेशन और द पहाड़ी एरिया। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पर्सन बंगाल में रहता है वह बंगाली ही बोलेगा, ही तो नहीं बट बंगाली बोलेगा। ठीक है, सो जो बंगाली है वो आज के टाइम पे एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जो कि संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुई है बेसिकली, जो कि पुराने संस्कृत टेक्स्ट है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो बंगाल है वो जो पुराने लोग हैं बंगाल के, वो उन्होंने कभी संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोली, बट स्टिल इनके जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मेल खाते हैं। तो अब अगर कोई भी लैंग्वेज है तो वो संस्कृत से ही इवॉल्व हुई है, बट बंगाल वाली एरिया में कभी संस्कृत बोली ही नहीं गई, बट बंगाल के जो लेटर्स हैं वो संस्कृत, जो पुरानी संस्कृत है उसके लेटर्स से कहीं ना कहीं मैच करते हैं, बट बंगाल तो कभी बोली, सॉरी संस्कृत तो कभी बोली ही नहीं गई बंगाल में। तो अब बंगाल लैंग्वेज डिराइव हुई कैसे,
तो देखो, फोर्थ थर्ड सेंचुरी BCE में जो कमर्शियल टाइज थे बंगाल और मगध के बीच में, वो ग्रो करना शुरू किए, ठीक है, जिसकी वजह से जो संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ा। बट फोर्थ सेंचुरी में जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने नॉर्थ बंगाल के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल जमा दिया और वहाँ पर उस एरिया में ब्राह्मण को सेटल करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिड गंगा वैली थी उधर लिंग्विस्टिक और कल्चरल जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। सेवन्थ सेंचुरी में चाइनीज ट्राइबल थे जुनजांग, जो कि जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है ऑल ओवर बंगाल वो कहीं ना कहीं संस्कृत से रिलेट करती है, ठीक है। एट्थ सेंचुरी में बंगाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम बन गया पालास के अंडर, ठीक है, हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करा था। 14th और 16th सेंचुरी में के अंदर बंगाल्स को रूलर्स सुल्तान के रूलर्स ने रूल किया आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, ठीक है। 1586 में जब अकबर आया, जब अकबर ने बंगाल को कंकर किया, उन्होंने एक न्यूक्लियस बना दिया ऑफ द बंगाल सूबा, जिसमें पर्शियन को मतलब पर्शियन लैंग्वेज का भी थोड़ा सा हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला और बंगाली लैंग्वेज एक एज अ रीजनल लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। इनफैक्ट 15 सेंचुरी में जो बंगाली ग्रुप है उन बंगाली ग्रुप के जो भी मतलब बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब किसी भी कंट्री में डायलेक्ट्स स्टेट्स में डायलेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सो इनका जो कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज था डेट वॉज स्पोकन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो जो बंगाली है वो संस्कृत से ही ड्राइव हुई है, उन्होंने बस ये था कि संस्कृत ने काफ़ी सारे स्टेजेस देखे एवोल्यूशन के, ठीक है, अलग अलग रूलर्स आए और ऐसे ऐसे लैंग्वेज चेंज हुई। नॉन संस्कृत वर्ड के हमें एक वाइड रेंज भी देखने को मिलती है, जिसमें पर्शियन है और यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट देखने को मिलता है मॉडर्न बंगाली में, ठीक है। जो मॉडर्न बंगाली है उधर हमें पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज का भी थोड़ा सा टेस्ट मिलता है। जो पुरानी बंगाली थी डैट वॉज द अर्ली बंगाली, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वन वॉज इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड अदर वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। सो फर्स्ट में जो फर्स्ट थी उनमें सारे संस्कृत एपिक्स का ट्रांसलेशन लिखा गया था, द मंगल काव्यास एंड द भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफी ऑफ द चैतन्य देवा द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ओके। उसके अलावा जो सेकंड है उसमें नाथ लिटरेचर आती है, जिसमें सारी की जिसमें मयनतमी और गोपी चंद्रा जैसे गाने आते हैं। उसके अलावा जो स्टोरीज है जिसमें धर्म ठाकुर को कैसे वर्शिप किया जाता है, फेरी टेल्स फोक टेल्स और बल्लाद्स को उन्होंने वहाँ पर दिखाया है, ठीक है। सो मयनमती गोपी चंद्रन धर्म ठाकुर इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो जो नाथ थे वो एक मतलब वो ना योगिक प्रैक्टिसेस को काफ़ी फॉलो करते थे, वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो कि मयनतमी को एक मयनतमी को डिस्क्राइब करता है, अ क्वीन जिन्होंने अपने बेटे गोपीचंद्र को एनकरेज किया ताकि वो एस्केटिज्म का पाथ को अडॉप्ट करे इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल। और धर्म ठाकुर एक काफ़ी पॉपुलर रीजनल डेटी है जिनको मतलब स्टोन या वुड के पीस में उनको मतलब बेसिकली वर्शिप किया जाता है। सो जो फर्स्ट कैटेगरी में जो भी टेक्स्ट बिलोंग करता है वो इजी है, ठीक है, और काफ़ी सेवरल मैनुस्क्रिप्ट्स है जो लिखे गए हैं उस लैंग्वेज में, ठीक है, बिटवीन द 15th एंड मिड 18th सेंचुरी। सो जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सिर्फ ओरली ही सर्कुलेट किया गया है और मतलब वो प्रिसाइजली डेटेड नहीं है, ठीक है। दे वो पर्टिकुलरली पॉपुलर इन वो ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर थे जहाँ पे ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम था। पीर्स एंड टेम्पल्स 16th सेंचुरी में लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से जो भी फॉरेस्टेड और मार्शी एरिया है साउथ ईस्टर्न बंगाल का। सो जैसे कि वो ईस्ट वाली साइड में मूव कर रहे थे तो वो फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और राइस कल्टिवेशन कर दिया करते थे ग्रेजुअली। जो भी फिशर फोक और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और जो ट्राइबल्स थे वो भी पीजेंट्स के साथ साथ न्यू कम्युनिटी में वो लोग आ गए, ठीक है। मतलब ये सारे यही काम क्या करते थे इसलिए इनको पीजेंट्स की कैटेगरी में पीजेंट्स की कम्युनिटी में डाल दिया गया। उसकी वजह से जो मुगल का जो कंट्रोल है उस टाइम पे
विद द कैपिटल ऑफ द हर्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा ऑफ ढाका। ठीक है, मुगल का भी उस टाइम पे हमें राज देखने को मिलता है। ऑफिशियल और फंक्शनरीज जो थी वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है मॉस्क्यूज ज़्यादा सेटअप होने लगे और हमें रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है एरियाज में। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्डर और अश्योरेंस हमें देखने को मिले जिसकी वजह से न्यू सेटलमेंट कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गए। ठीक है, और जो भी कम्युनिटी लीडर्स थे जो कि वहाँ पे टीचर्स या एडजस्ट्रीज या कुछ ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स के साथ ना, उनको एक वो दे दिया गया कि वो उनके पास ना एक सुपरनेचुरल पावर है। जैसे हम साधु संत नहीं होते, वैसे उनको एक वो दे दिया गया कि वो सिखाते थे लोगों को और उनको पीर्स बोल दिया गया। सो पीर्स इज़ अ पर्शियन वर्ड फॉर मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड, जो साधु संत होते हैं बेसिकली हमारे यहाँ पर। ठीक है, हम भी सोचते कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होगी, राइट, कि वो मतलब फ्यूचर देख सकते हैं या लाइक डैट ओनली, मतलब ऐसे होता है ना, सोचते हैं कि जो भी बड़े बड़े साधु संत जिनको हम बना क्या देते हैं, उसमें भी नहीं बोल रही मैं, बट मतलब जो भी बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होगी और लोग उनको पूजना शुरू कर देते हैं कि वो भगवान के भेजे हुए हैं, राइट। इनमें सेंट्स और सूफीज वगैरह आ जाया करते थे। ये बेसिकली वही लोग थे जो कि डायरेक्टली भगवान से रिलेटेड थे, जैसे हिंदू और जो बुद्धिस्ट डेटीज थी, इन लोगों को भी मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और जो प्लांट्स है, जो नेचुरल फिनोमेना है, उनको भी एक लिविंग उनको कंसीडर कर दिया गया। जैसे हिंदुइज्म में देखिए तो जो अग्नि है, जो आग है, उनको अग्नि को देवता माना जाता है, वायु को देवता माना जाता है। ठीक है, वैसे जो है वो कर दिया गया। और ये सब कुछ बंगाल में भी हमें देखने को मिला। सो बंगाल में काफ़ी अब हमें टेम्पल बिल्डिंग्स प्री देखने को मिलता है 15th सेंचुरी में बहुत सारे टेम्पल्स बनना शुरू हुए। ठीक है, और टेम्पल्स का जो मतलब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अलावा और ये भी था कि मतलब वो ना जो भी वहाँ का राजा है उसका एक पावर भी दिखाया करता था। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर। सो उस टाइम पे जो भी मॉडर्न ब्रिक है और जो भी टेरिकोटा टेम्पल्स है वो मतलब बनाए जा रहे थे उस टाइम पे बंगाल में। और जो लो सेवरल ग्रुप्स थे, जैसे कि कोलू डेट वॉज द ऑयल प्रेसर्स एंड कंसारी डेट वॉज द बेल मेटल वर्कर्स। ठीक है, द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और काफ़ी फैमिलीज थी जो कि सोशल ग्रुप से कुछ छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में बिलोंग करती थी, उन्होंने भी हेल्प करना शुरू किया। ठीक है, जिसकी वजह से जो है सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई। और जैसे उसी वैसे टेम्पल्स भी बहुत सारे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे साथ ही साथ में। ठीक है, सो उसके अलावा उस टाइम पे ब्राह्मण थे और जो टेम्पल्स थे वो ना डबल रूफ या फिर फोर रूफ हुआ करते थे, ऑफ थैच हट्स। ठीक है, सो कंपेरेटिवली जो फोर रूफ स्ट्रक्चर था ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। ठीक है, इस पे जो है चार ट्रायंगुलर रूफ्स हुआ करते थे ऑन द फोर वॉल्स मूविंग फ्रॉम द कन्वर्ज ऑफ द कर्व्ड लाइन ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे देखो आप फोटोज कुछ इस तरह से। सो जो चार वाला वो हुआ करता था फिगर 12 विच इज़ द फोर रूफ टेम्पल। यहाँ पे देखो ना चार वाला ऐसे रूफ बना दिया जाता था एंड डैट इज़ द डबल रूफ दिस वन। ठीक है, सो ऐसे मतलब हमें देखने को मिल रहे हैं कि कैसे वो लोग रूफ वगैरह बनाया करते थे और कैसे मतलब डेकोरेशन की जो वो है वो काफ़ी फेमस था, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बंगाल में बनाया जाता था। सो ट्रेडिशनली जो भी अब देखो ना हम फूड के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मतलब जो बंगाल है ना वो रिवर लाइन प्लेन है, तो वहाँ पे ना राइस और फिश बहुत होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये दो जो आइटम हैं वो पुअर बंगालीज का भी काफ़ी कॉमन मेन्यू है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, इनके बीच में भी क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा होता है, राइट। उसके अलावा जो टेरिकोटा प्लैक्स है जो कि टेम्पल्स और विहारास में है, वो भी ये दिखाता है कि वो भी स्टोरीज दिखाता है कि कैसे बंगाल के लोग जो है वो कैसे ड्रेस हुआ करते थे और कैसे फिश को बेचा करते थे और खाया करते थे। ठीक है,
ब्राह्मण्स को उस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन फूड्स नहीं अलाउड था खाना, वो आज भी नहीं है, ठीक है। बट फिश उस टाइम पे जो लोकल डाइट है वो काफ़ी, मतलब काफ़ी पॉपुलर था, तो कि जो भी ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स था उसको रिलैक्स कर दिया गया था। और एक मतलब जो उनका जो प्रोहिबिशन था ना, कि जो भी मतलब जो बंगाल ब्राह्मण्स थे वो बेसिकली फिश खा सकते थे क्योंकि वहाँ का बहुत ही लोकल डाइट था फिश, ठीक है। उसके अलावा जो बृद्ध धर्म पुराण है वो एक 13th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है बंगाल का, वो स्टिल ब्राह्मण्स को, जो लोकल ब्राह्मण है उनको फिश की कुछ वैरायटीज खाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल। सो फ्रॉम नाउ विल ट्राई टू बी कॉन्स्टेंट फॉर आर वीडियोज, बट स्टिल अगर कहीं कुछ गैप आता है तो प्लीज, ठीक है। द रीजन वी हैंड इट इज वी आर आउट ऑफ द स्टेशन, बट स्टिल वी आर वर्किंग फॉर इट। एंड हेयर आई थिंक द लास्ट लेसन इज रिमेनिंग फॉर द चैप्टर, फॉर द क्लास 7th, दैट इज चैप्टर 8, एंड देन विल मूव टू वॉर्ड क्लास 8th। सो यस, थैंक यू वेरी मच।